वेलकम बैक गाइस, फ्यूचर बाप ट्रेवलर्स में आप सभी का स्वागत है। होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला वो एक छोटा सा टिप समझ लो, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो मार्केट रिसर्च है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कोई प्रोफेशनल वाला नहीं है, ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। हो सकता है मेरा ओपिनियन आप लोग का खुद का मार्केट रिसर्च यूक्रेन का अलग हो, बट जो मैं सिटीज में घूम चुका हूँ उस सिटीज के हिसाब से जो मैंने सर्च किया, जो मेरे को रिसर्च किया और जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, आप एक आइडिया सोच के रख सकते हो कि भैया मेरे को यूक्रेन में बिजनेस क्या करना है और मेरे थ्रू अगर आपको बिजनेस खुलवाना है तो आप खुलवा सकते हो। आपको एक मैं टिप दे रहा हूँ ताकि आप खुद का एक आइडिया बना लो कि भैया ये मेरे को खोल सकता हूँ, इसमें मेरी कैपेबिलिटी है और ये बिजनेस यूक्रेन में चल सकता है तो मैं ये करना चाहता हूँ। तो वो अगर आइडिया हो तो वो मैं हेल्प कर सकता हूँ। बस ये दो टिप, दो या तीन चीज जो मैं बताने वाला हूँ जो मैंने मार्केट में रिसर्च करके पाया है। सबसे पहली चीज तो आपको फोकस करना है लड़कियों को, लड़कियों के ऊपर। कहने का मतलब है कि ऐसी कोई सर्विस, ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई चीज या ऐसी कोई कुछ भी ऐसी चीज जो कि रिलेटेड टू लड़कियां, मतलब उनका फायदा हो। क्यों मैं बता रहा हूं वो इसलिए बिकॉज लड़कियों का पॉपुलेशन बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा है और मैंने जो चीज देखी है वहां पर स्पेशली खार्किव में, वो मैंने ये देखी है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां स्पेंड करती है पैसा। क्यों? क्योंकि लड़कियां हार्डवर्किंग है तो वो लोग सबसे ज्यादा जो है पैसा स्पेंड करती है और बहुत ज्यादा जो अर्निंग होती है वो लड़कियों का सबसे ज्यादा होता है। मतलब ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि लड़के कमाते ही नहीं, बट थोड़ा लड़कों की मेंटालिटी और लड़कियों की मेंटालिटी वहां पर डिफरेंट है। लड़कियों की मेंटालिटी वहां पर ये है कि वो लोग अच्छे स्टैंडर्ड पे जिए, अब वो हर चीज पे लेते हैं, खाने से लेके रहने से लेके ब्यूटी से लेके हर चीज। मैंने आपको हिंट दे दिया, लेकिन लड़कों का थोड़ा सिचुएशन अलग है, वो लोग इतना नहीं सोचते कि भैया मेरे को अच्छा उतना करना है, लेजी है। सभी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यूक्रेन के लड़के लेजी है, गलत मत समझना, बट मैं मार्केट जो रिसर्च किया है मैंने वो मैंने बता रहा हूँ, ये मैंने सुना भी, ये मैंने देखा भी और मैंने लोगों से पूछा भी है। तो अगर आप ऐसे कोई चीज सर्विस या कोई चीज देते हो जो कि लड़कियों को फायदा दिलाए और उनको मजबूर करे वो सर्विस या प्रोडक्ट लेने के लिए, तो आपका बिजनेस चलेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो है ऐसा बिजनेस जो कि ठंड में सबसे ज्यादा लोग कंज्यूम करे, ठीक है। अब जैसे मैं कॉफी तो पहले से चल रहा है तो बता सकता हूँ, कॉफी है, कॉफी शॉप। ठंड में मैंने इतना कॉफी पिया, एक एक दिन में पांच पांच छह छह बार कॉफी पीता था क्योंकि वो फोर्स करता था भाई मेरे को पीना ही पीना। तो अगर आप ऐसा कोई सर्विस या प्रोडक्ट, वही है फलाना ढलकाना, अगर आप देते हो जो कि ठंड में लोगों को कंज्यूम करना ही पड़े तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है वो बिकेगा, ठीक है। अब वो मार्केट रिसर्च खुद ही करो यूक्रेन में कि क्या चीज पहले से ही बिक रही है ठंड में, उस पर मत घुसो क्योंकि फिर कंपटीशन हो जाएगा। वो ऐसी चीज बेचो, आपकी दिमाग लगाओ, ऐसी चीज बेचो जो कि ठंड में लोग खरीदे लेकिन यूक्रेन में अवेलेबल बहुत कम हो या अच्छे क्वालिटी में हो। तीसरा जो है ट्रांसपोर्टेशन, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन अगर आप ऐसे तरीके से ढूंढोगे कि इंटरसिटी का ट्रांसपोर्टेशन अगर आप सही से देख सकते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो कोई, ठीक है, जैसे अपना इंडिया में ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड होती है एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए, तो अगर कोई भी आप ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बिजनेस करते हो तो आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो बिकॉज वहां पर भी लोगों को क्रेज है, वहां पर स्कूटी वूटी तो है नहीं, कार का सिस्टम ही है, तो फिर वो उसमें आपको फायदा हो सकता है अगर आप कोई आइडिया लगा के आप ये करते हो। तो ये तीन चीजें ना, ये तो हो गई बेसिक चीज है जिस पर अगर आप फोकस करोगे तो कमा सकते हो। और जो चौथी चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है खाना। यूक्रेनियंस को खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद है, हालांकि उनको यूक्रेनियन फूड ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा प्रोवाइड करते हो जिसकी प्राइस बहुत चीप हो लेकिन यूजफुल हो। क्यों? जैसे कि मान लो मैं खरकिव में रुका हूं, वहां पर स्टूडेंट ज्यादा है लेकिन जो खाने की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा महंगा है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा खाना देते हो जो कि चीप सस्ते में और अच्छा फायदेमंद है तो भी काम आएगा, ठीक है। स्पेशली कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टूडेंट्स, अगर आप खार्किव जैसे, कीव जैसे और या फिर लिविव जैसे शहरों में बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो ओनली फोकस ऑन स्टूडेंट्स इफ यू आर कमिंग ऑन फूड, ठीक है, क्योंकि अपने इंडियंस ज्यादा है और बाहर देश के भी ज्यादा है। तो ये चीज अगर आप देखोगे, हालांकि इस वाले फील्ड में, फूड वाले में ज्यादा आपकी कमाई नहीं होगी बट चल जाएगा आपका, मतलब यू कैन सर्वाइव अच्छा खासा। बट बाकी जो तीनों मैंने बताया, ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड और जो पहले मैंने आपको बताया लड़कियां सबसे ज्यादा टॉप पे, अगर ये चीज कर लिए ना आपकी कमाई ही कमाई होगी बहुत ही ज्यादा।
और अगर आप दूसरे तरह से अर्निंग सोच रहे हो कि भैया हाँ मेरे को ये बिजनेस नहीं करना, लेकिन मुझे कोई पैसिव इनकम चाहिए, पैसिव इनकम जिसमें मेरे को बिजनेस नहीं करना बट कोई ऐसा चीज जिससे मेरी अर्निंग हो, तो भैया आपको जमीन खरीदना पड़ेगा, जबकि आप वो तभी हो सकता है जब आप पीआर हो, या फिर फ्लैट खरीद के रेंट पे डालो, या फिर कोई स्टूडियो खोलो उस पर रेंट पे डालो, ये कर सकते हो। और भी मेरे पास बिजनेस आइडियाज है, लेकिन वो मैं ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैं डिस्क्लोज करता हूँ तो कॉम्पिटिशन बाकी लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ये बेसिक चीजें इनमें ढूंढने की कोशिश करो, पहले खुद देखो कि भैया यूक्रेन में सबसे ज्यादा चल क्या रहा है, उसके अपोजिट दूसरा कोई और अपना आप खोल सकते हो क्या, फूड में ही कुछ और ऐसा, या फिर कोल्ड में कोल्ड के लिए कुछ ऐसा, या फिर लड़कियों के लिए कुछ अलग तरीके से, तो आपका फायदा होगा। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। जाने से पहले ये बोल दो, अगर किसी भी बंदे के पास या किसी के भी पास, बंदी हो बंदा हो बड़ा हो छोटा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आइडिया बहुत यूनिक है यूक्रेन में बिजनेस खोलने का, जिससे आपको लगता है प्रॉफिट है और आपके पास इन्वेस्टमेंट है बट आपको हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को बता सकते हो टेलीग्राम पे और ईमेल पे, या जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है बता देना, मैं क्या करूँगा आपके, अगर आइडिया सुनूंगा, अगर आपका आइडिया अच्छा लगा तो, अगर मुझे लगा कि भैया बहुत दम है, अगर आप चाहो तो मैं आपका पार्टनर बन के आपके साथ काम भी कर सकता हूँ, हाँ आपकी हेल्प कर सकता हूँ वहां पर जितना मेरे से हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई विल डू एवरीथिंग, बट जो मेरे से पॉसिबल है वो मैं पूरी करूंगा कोशिश, और आपको पार्टनर बनना है तो वो भी बनूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सभी भाई लोगों, अगर आइडिया अच्छा है तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, आपका पार्टनर बनके सपोर्ट करके दोनों कमाए, सब कमाए। लेकिन आइडिया सोचो, जोर करो, जोर लगाओ, सोचो, आइडिया बनाओ और फिर उस बिजनेस को इंप्लीमेंट करो यूक्रेन में। आज के बस इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।